उसका रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि 1,25,000 करोड़ रुपए तो बिहार में खर्च किए ही किए, उसके अलावा मोदी जी ने पिछले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए और बिहार को दिया है। इस बात को समझना चाहिए। 3,000 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स के, किसानों के वेलफेयर के लिए दिया गया, शिक्षा पर 1,000 करोड़ रुपए दिया गया, स्वास्थ्य पर 600 करोड़ रुपए दिए गए और इस 600 करोड़ रुपए में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, एक नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज 1,200 करोड़ रुपए का और 5,000 करोड़ रुपए पटना में दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने के लिए 5,500 बिस्तरों के लिए पैसा दिया गया। इस बात को समझना चाहिए। मित्रों, मेरा जन्म पटना मेडिकल कॉलेज में और मैं संजय जी को बताता था कि मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं यहां पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खोलूं और मैंने स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से मोदी जी के आशीर्वाद से 250 करोड़ रुपए दिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा सपना देखा और कहा कि एक बड़ा अस्पताल बनना चाहिए। मैंने मोदी जी को ये बात बताई, मोदी जी ने कहा पीछे मत हटना, दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल पटना में बना करके दिखाओ और 5,500 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाओ। उसका काम शुरू, सड़कों पर लगभग 13,000 करोड़, हाईवे पर 54,000 करोड़, एयरपोर्ट पर 27,000 करोड़, पेट्रोलियम की लाइन बनाने के लिए 21,000 करोड़ और इसके ऊपर से 40,000 करोड़ रुपए और दिए गए। ये बिहार के विकास की कहानी है। मित्रों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी पिछले साल दिसंबर महीने में आए थे और उन्होंने रेलवे की स्कीम में 2,720 करोड़ रुपए दिए और वो किस लिए दिए थे? मुजफ्फरपुर में सीतामढ़ी सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, कटिहार में न्यू जलपाईगुड़ी तक 505 करोड़ रुपए दिए, समस्तीपुर से खगड़िया के लिए 95 करोड़ रुपए दिए, समस्तीपुर से दरभंगा और जयनगर के लिए 135 करोड़ रुपए दिए और कमिश्नरिंग ऑफ बरौनी के लिए, लोको शेड के लिए 130 करोड़ रुपए दिए। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि मोदी जी ने संस्कृति बदल दी है। मैं लेखा जोखा लेके आया हूं, एक एक पैसा गिना सकता हूं जो मोदी जी ने बिहार की धरती पर खर्च किया है, उसको ध्यान में रखना। अर्बन डेवलपमेंट के लिए आपके बक्सर वाटर सप्लाई के लिए 32 करोड़ रुपए, पटना में सिवरेज प्लांट के लिए 152 करोड़ रुपए, स्कीम पर स्कीम, उसी तरीके से मत्स्य योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए, उसी तरीके से फिश प्रोडक्शन के लिए 2 करोड़ रुपए, उसी तरीके से फ्रूट बैंक के लिए 5 करोड़ रुपए। हर तरीके से विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और बिहार की धरती पर। इसलिए हम क्या करेंगे ये नहीं कहने आया हूं मैं, हमने जो किया है वो आपको बताने आया हूं। ये हमारा रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान में रखना।